वेलकम गाइस टू वेब थ्री मंत्र। तो कैसे हैं यार आप लोग? तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉलिडिटी ऑपरेटर्स की, ठीक है। तो ऑपरेटर्स जो है सॉलिडिटी में हमारे पास 6 टाइप के होते हैं, यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे पूरी ढंग से लिखा है, आप पढ़ लीजिए इसे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, ठीक है। दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का। ये हमारे पास कुछ टाइप के होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, डिविज़न, मॉड्यूलस। मैं थोड़ा और, अगर आपको दिख नहीं रहा है क्लियर, मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो मॉड्यूलस, ठीक है, मॉड्यूलस क्या होता है? जो कि रिमाइंडर देता है हमें, अगर हम कोई चीज़ को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर उसका देता है। और इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस यूज़ करते हैं, 2 बार प्लस, डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस, ठीक है। अब इसे मैं आपको रिमिक्स आईडी में चल के बताता हूँ यही चीज़, ठीक है। तो यार मैं रिमिक्स आईडी में अपने आ चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक फंक्शन जो है डिक्लेयर कर दिया है, और फंक्शन मैंने आपको बताया था, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए, पिछली वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। स्टेट वेरिएबल मैंने एक वैल नाम का डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब खेलते हैं हम अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर से। तो सबसे पहले हमारा एडिशन है, एडिशन मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो फंक्शन कॉल करेगा ना उसमें मैं वैल की जो है वैल्यू एक्चुअल में चेंज कर देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ जो वैल है, वैल प्लस 2 मेरा हो जाएगा, ठीक है। मैं सेव करता हूँ इसे, ये मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, मैं डिप्लॉय करूँगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोगों को समझ आता ही होगा, ठीक है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये मुझे पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। तो पहले वैल की वैल्यू देखो कितनी है, 4 हमारी, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो। मैं गेट कॉल करूँगा, उसके बाद मैं वैल कॉल करूँगा, तो ये 6 हो चुकी है। मैं वापस से गेट कॉल करूँगा तो फिर वैल कॉल करूँगा, 8 हो चुकी है, ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है +2 का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं माइनस का यूज़ करता हूँ, ठीक है। एडिशन आपने देख लिया, माइनस के लिए ये आपको पता है, पता है आपको ये क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। मैं जो है इसे वैल कॉल करता हूँ, मेरा 4 मिल रहा है। मैं गेट कॉल करूँगा, देखो फंक्शन, जैसे मैंने गेट कॉल किया हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो और इसने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया उसे। अब मेरे को वैल कॉल करना पड़ेगा देखने के लिए, ठीक है, 2 मेरा आ गया, ठीक है, समझते हो आप। हमारा जो है फिर मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब आप समझते हो, मेरे को वापस वापस डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंटू 2 होगा तो 4 टू जाए 8 हो जाएगा हमारा, डिवाइड करूँगा मैं तो 2 टू जा 4, मतलब 2 रिटर्न करेगा ये हमारा, ठीक है। जो वापस वैल हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे 2 जो है असाइन हो जाएगा इसमें। अब बात करते हैं मॉड्यूलस की, ठीक है। तो ये मॉड्यूलस मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो मॉड्यूलस क्या होता है यार, जो 2 ऑपरेंड्स होते हैं हमारे उनके बीच में जो रिमाइंडर बसता है वो हमें रिटर्न कराता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे 4 मॉड्यूलस अगर 2 में करता हूँ तो आपको पता है इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, ठीक है। अगर आप डिवाइड करोगे इसे तो रिमाइंडर आपका 0 बचने वाला है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये दूसरा इंस्टेंट जो है मेरा, पहला वैल देख लो, वैल की वैल्यू 4 है, गेट कॉल करूँगा, वैल कॉल करूँगा, 0 आ गया मेरा, ठीक है। इसकी जगह अगर मैं 3 लिखता हूँ तो क्या क्या रिमाइंडर बचेगा, आपको पता है रिमाइंडर हमारा 1 बचने वाला है इस केस में, है ना, क्योंकि ये हमारा परफेक्टली 4 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो हमारा रिमाइंडर बचेगा इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो पहले वैल की वैल्यू मेरी 4 है, मैं गेट कॉल करूँगा, वापस से वैल कॉल करूँगा, मेरे को 1 रिमाइंडर मिल चुका है, ठीक है। तो मॉड्यूलस का ये काम था। अब देखते हैं ये दोनों, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल इज इक्वल टू वैल प्लस प्लस, इतना मैंने कर दिया, मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये +1 से इंक्रीमेंट कर देता है, मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ। मैं आपको अब यहाँ पे दिखाता हूँ, पहले मैं वैल की वैल्यू बता दूँ, 4 है, गेट कॉल करूँगा, उसके बाद मैं वैल कॉल करूँगा, तो मेरा इंक्रीमेंट हुआ नहीं है यार एक्चुअली अभी। तो देखते हैं इसमें क्या इशू आ रहा है। ओके, तो यार हमारा इसमें ये इशू है, हमें यहाँ पे वैल के साथ असाइन नहीं करना है, हम डायरेक्ट इंक्रीमेंट करेंगे, इसीलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये शॉर्ट बनाता है इस चीज़ को भी, और हम ऐसे ही इसे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं इस इंस्टेंस को डिलीट कर देता हूँ, वापस से डिप्लॉय करता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं वैल कॉल करूँगा, 4 मिल चुका है, गेट कॉल करूँगा, उसके बाद मैं फिर वैल कॉल करूँगा, मेरे को 5 मिल चुका है, ठीक है। फिर कॉल करूँगा, एक एक का इंक्रीमेंट होता जाएगा क्योंकि मेरे फंक्शन में ये है। और सेम चीज़ होती है डिक्रीमेंट के लिए, मैं माइनस में सॉरी मैं माइनस माइनस यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। मैं सेव करता हूँ इसे, डिप्लॉय करता हूँ, और यहाँ पे इस डिप्लॉय को मैं खोल देता हूँ। मैं वैल कॉल करूँगा, ठीक है, 4 मेरा है, मैं गेट कॉल करूँगा और फिर वैल कॉल करूँगा, मेरे को 3 मिल चुका है, ऐसा होता रहिए, ठीक है। ये थे हमारे सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, इतना आप समझ गए।
अब बात करते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर यार हमारा जो है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा ये, मैं यहाँ पे रिटर्न्स जो कीवर्ड दे देता हूँ, यहाँ पे मैं बूल पास कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारा बुलियन डेटा टाइप रिटर्न करेगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा बुलियन डेटा टाइप जो है रिटर्न करेगा, और इसकी जो विजिबिलिटी हमें व्यू तक देनी है, क्योंकि हम खाली देख रहे हैं, ठीक है। और इसे मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे रिटर्न कराऊँगा। रिटर्न क्या कराता हूँ मैं, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया जो है असाइनमेंट ऑपरेटर, पहला है हमारा इक्वल टू इक्वल टू, ठीक है। ये यूज़ होता है हमारा, देखो मैं आपको बताता हूँ। मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे वैल इक्वल टू 4, तो आपको क्या लगता है, हाँ वैल आपको पता है 4 है, ठीक है। वैल्यू जो है 4 है उसकी। इक्वल टू हम देखने के लिए यूज़ करते हैं, ये रिटर्न करेगा एक बुलियन वैल्यू की ये ट्रू है या फॉल्स है कंडीशन। मैं डिप्लॉय करता हूँ इसे, और अब मैं जो है गेट कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे देखो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया है ना। अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह मैं 3 लिखता हूँ, सेव करता हूँ, डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है। और वापस से जो है अपना गेट मैं कॉल कर देता हूँ, मैं गेट कॉल किया, देखो फॉल्स मेरे को मिल चुका है। तो आप समझ गए थे, ये हम यूज़ करते हैं कंडीशनली, ये हमारा रिटर्न करेगा बुलियन, ठीक है। हम इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स ब्लॉक में यूज़ कर सकते हैं कि रिटर्न हमारा वो है कि नहीं है, ठीक है। इनको कहते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। हम सिंगल इक्वल टू क्यों नहीं लगा रहे, सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है कि हम उसमें असाइन कर रहे हैं, जबकि हम असाइन नहीं कर रहे। जैसे कि अभी मैं चेंज कर रहा था, मैं क्या लिख रहा था वहाँ पे, वेल इज इक्वल टू वेल प्लस जो भी मेरे को ऑप लगाना है उसमें, ठीक है। ऐसे कर रहा था, उसका मतलब है उसमें चेंज कर रहे थे। लेकिन इक्वल टू खाली चेक के लिए चेक के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये वैल्यू चेंज नहीं कर रहा उसकी, खाली आपको बुलियन रिटर्न करेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स। सेम चीज़ नॉट इक्वल टू के साथ, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू मैं लिखता हूँ, वेल नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू 3, तो आपको क्या लगता है क्या रिटर्न करेगा, क्या लगता है आपको, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ट्रू सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक है। मैं गेट कॉल करूँगा तो मेरा ट्रू आ गया, क्यों, क्योंकि नॉट इक्वल टू जो वैल है हमारा वो 3 के इक्वल ही नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी हमारी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो अब ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा इस केस में, ठीक है। इतना आप समझ गए, मैं बार बार डिप्लॉय नहीं करने वाला हूँ, बहुत टाइम जा रहा है, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये आप लोग समझते हैं यार, मैथमेटिक्स इतनी तो आपने की है ही, ठीक है। मैं अगर वेल ग्रेटर देन मैं दिखता हूँ 3, तो ये आपको रिटर्न करेगा कि ट्रू, ठीक है, क्योंकि वैल हमारी ग्रेटर देन 3 है। अगर मैं लेस देन करता हूँ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, इतना आप लोग समझते हो। अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया है तो ये सब आपको पता होगा, लेकिन मैं उनके लिए समझा रहा हूँ जिन्होंने कोई नहीं किया है, सबसे पहले सॉलिडिटी देखने आ गए, ठीक है। तो यही ड्रॉबैक थे कि आपको कोई लैंग्वेज में काम करना जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, बेसिक नॉलेज होना जरूरी है काम, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपने कोई बड़ी डेवलपमेंट की है, ठीक है। चलो अब इसमें बात करते हैं, लेस देन 3 करता हूँ मैं, तो आपको बताया कि वैल्यू जो है हमारी 4 है, 4 लेस देन 3 ट्रू नहीं है ना, इतना आपको पता है, तो ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। इतना आप समझ गए लेस देन। अब उसके बाद करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। पहले देखो लेस देन इक्वल टू यही समझ लो, इक्वल टू, ठीक है ना, वो 3 के इक्वल है और ना उससे लेस है, तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं डिप्लॉय करके बताता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर इसे मैं हटा देता हूँ यार, मैं वापस से डिप्लॉय करता हूँ अपना, ये इंस्टेंस खोलता हूँ मैं, ठीक है, और मैं कॉल करता हूँ गेट, तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि वो तो इक्वल टू आप समझते हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जब हम लेस देन की बात कर रहे थे तो उसका मतलब है कि उसे 3 से भी छोटा होना था, वो 3 भी नहीं हो सकता, वो 2 होना चाहिए था, लेकिन ठीक है। अगर लेस देन में आपको समझ नहीं आ रहा, मैं ग्रेटर देन की बात करता हूँ, ठीक है। अगर मैं ग्रेटर देन 3 लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 3, तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, इतना आपको पता है, क्योंकि 4 ग्रेटर देन 3 इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लिख रहा हूँ ना, तो मतलब 3 से बड़ा, 3 के इक्वल भी नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाता हूँ, जैसे कि मैं क्या काम करता हूँ, मैं जो वेल है अपना उसको मैं 3 में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं लिख रहा हूँ वेल ग्रेटर देन 3, तो आपको क्या लगता है, 3 ग्रेटर देन 3, ऑफकोर्स फॉल्स है, लेकिन अगर इसके जगह मैं इक्वल टू लगा देता हूँ तो यहाँ पे मेरा ट्रू रिटर्न करेगा वो, ठीक है। वो एक्चुअली मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू रखना था, इक्वल टू पहले नहीं लगता है, ठीक है, मेरे को लिखना है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो अब मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। तो आपको बताया जो वेल है हमारा वो इक्वल टू 3 है, ठीक है। ग्रेटर देन में क्या होता, अगर मैं यहाँ पे 5 भी लिखता तो 2 तो भी ट्रू आता, क्योंकि ग्रेटर देन भी है और उससे छोटा नहीं होना चाहिए, बस इतना समझ जाओ। ग्रेटर देन इक्वल टू ये काम है, लेस देन इक्वल टू का भी यही काम है, ठीक है।
आप लोग समझ गए होंगे यार, ये कुछ इतना खतरनाक था नहीं। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपनी लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो यार अब मैं आपको बताता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। ठीक है, सबसे पहले आपको बताता हूँ लॉजिकल एंड का काम। तो मैं आपको बताता हूँ लॉजिकल एंड के बारे में। ठीक है, उससे पहले क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन है, अब मैं स्टेट वेरिएबल के साथ नहीं खेलूंगा क्योंकि हो सकता है उसमें आपको समझने में दिक्कत आ रही हो। अब मैं इसे प्योर दे दूंगा, प्योर का मतलब मैं ना स्टेट वेरिएबल्स को देख रहा हूँ ना उनके साथ कुछ चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं रिटर्न में। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल सा जो है एक टर्म दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 इज़ ग्रेटर देन 1 एंड एंड। ठीक है, ये नहीं हमारा एंड एंड। ठीक है, एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे हमने दो कंडीशन दी है। सबसे पहली कंडीशन हमारी 2 इज़ ग्रेटर देन 1, क्या लगता है आपको, ट्रू है? हाँ ट्रू है। 2 इज़ ग्रेटर देन 0, ये भी ट्रू है। तो एंड एंड का हमारा ये काम है, ये देखता है जितनी भी कंडीशन है हमारी, यहाँ पे मैंने 2 पास किए हैं, आप और भी कर सकते हो एंड एंड लगा के दोबारा से। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी कंडीशन है हमारी वो सबको देखता है, अगर सारी ट्रू होती हैं तो ये ट्रू रिटर्न तब करेगा, लेकिन अगर इनमें से एक भी फॉल्स होती है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं आपको डिप्लॉय करके अब दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए लॉजिकली, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, गेट कॉल करता हूँ, तो देखो मेरे को ट्रू मिल रहा है। अब मैं क्या लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एंड में एक जगह में मैं 3 लिख देता हूँ, तो अब ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि एंड एंड का मतलब आप समझते हो यार, इंग्लिश में यही होता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, गेट कॉल करता हूँ, फॉल्स हमारा रिटर्न कर रहा है जबकि एक कंडीशन ट्रू है। एंड आप समझ के ये आप कई जगह यूज़ करोगे। ठीक है, एंड का मतलब हमारी जो दोनों कंडीशन, दोनों नहीं जितनी भी, अब मैं एंड एंड लगा के तीसरी कंडीशन भी दे सकता था आप। तो मैं देखो मैं करके बताता हूँ यार आपको, एंड एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 4, कुछ भी कंडीशन दे दो, तो ये कंपाइल हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। बात है क्या ये रिटर्न क्या करेगा। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको 2 के साथ करके दिखाता हूँ आप कितने भी जो है कंडीशन दे सकते हैं। अब बात करते हैं लॉजिकल और की। और का मतलब होता है, आपको पता है कि कोई भी चीज़ सही हो, हाँ तो आप सही रिटर्न कर दो। इसका मतलब अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 ग्रेटर देन 1 और, या ठीक है हिंदी में आपको पता है, या 2 ग्रेटर देन 3। ठीक है, आपको पता है ये दूसरी वाली कंडीशन जो है फॉल्स है हमारी, लेकिन पहली वाली ट्रू है। अब एंड के साथ अगर आप करते तो एंड में क्या रिटर्न कर रहा था, उसको चाहिए कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लेकिन और लॉजिकल और में हमारा ऐसा नहीं यार, उसमें आपको कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स निकलती है, ठीक है, जैसे 2 ग्रेटर देन मैं 4 यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, अब मैं वापस से डिप्लॉय करता हूँ, और अब अगर मैं जो है गेट कॉल करूँगा तो आपको पता है मुझे फॉल्स मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, लेकिन अगर एक भी ट्रू है तो ये हमें सही रिटर्न कर रहा था। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। अब बात करते हैं हम लॉजिकल नॉट की। तो इसे हम यार लॉजिकल नॉट कहते हैं क्योंकि आपको देखा मैंने, आपने पहले बताया था मैंने नॉट इक्वल टू। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही यूज़ होता है नॉट के लिए। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क हमारा नॉट इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली नॉट, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें लिखा है रिटर्न्स ट्रू इफ़ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइज एल्स फॉल्स। ठीक है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ट्रू रिटर्न करेगा वो, मतलब उल्टा बेसिकली। ठीक है, और अगर सेटिस्फाई हो गई तो फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, नॉट है ना, हम उसे थोड़ा अलग तरीके से यूज़ करते हैं हम, कैसे? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 इज़ इक्वल टू 4 लिखता हूँ तो मेरे को नॉट बाहर में लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये, अब अंदर वाली कंडीशन अलग देखो, बाहर में ये उसका अपोजिट कर देगा हमारा नॉट जो ऑपरेटर है। ठीक है, कैसे? 2 इज़ इक्वल टू 4 फॉल्स है ना, तो ये नॉट क्या करेगा, उसे ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन मैं आपको डिप्लॉय करके दिखाता हूँ, मैं डिप्लॉय करता हूँ, इसे खोल देता हूँ इंस्टेंस को। अब मैं आपको गेट कॉल करके बताता हूँ, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है यार, जबकि ये जो कंडीशन है हमारी ये तो फॉल्स है। टू हमारे हमको पता है 2 4 के इक्वल है ही नहीं, लेकिन जब ये कंडीशन यहाँ से फॉल्स रिटर्न करी है, ये जो नॉट ऑपरेटर हमारा ये इसे अपोज कर रहा है, अपोजिट करके रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इतना आप समझ के। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं 2 इज़ इक्वल टू 2 लिखता हूँ, ये हमारा ट्रू है, लेकिन इस केस में ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं आपको वापस से डिप्लॉय करके दिखाता हूँ, मैं इसे डिलीट करता हूँ इंस्टेंस को, और इसे मैं वापस से आपको जो है कॉल करके दिखाता हूँ। मैं गेट कॉल करता हूँ तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, जबकि ये कंडीशन जो हमारी ट्रू है। तो बेसिकली यही काम है यार इसका। ठीक है,
तो जैसे कि यहाँ पे एक तो मैंने कंडीशन दे दी, या आप सिंपली किसी के भी अपोजिट कर सकते हो। अगर मैं नॉट ट्रू यहाँ पे लिखता हूँ तो ये हमारा कंपाइल हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसे डिप्लॉय करूँगा तो आपको क्या लगता है, ये ट्रू रिटर्न करेगा? नहीं यार, इसने नॉट ट्रू लिखा है, मतलब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो फॉल्स रिटर्न किया इसने, ठीक है। इतना आप समझ के, यही था यार हमारे, समझ गए आप, नॉट ऑपरेटर समझ गए, लॉजिकल लॉजिकल और, लॉजिकल एंड, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर आप समझ गए, रिलेशनल ऑपरेटर आप समझ गए। काफ़ी आसान था, एक बार खुद से कोड लिख के प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी आसान है। और ये तो बेसिकली मल्टी अर्थमेटिक ऑपरेशन आपको आते ही हैं यार, बस आपको एक चीज़ इनमें ध्यान रखनी है, बाकी तो सब आपको पता है। मॉड्यूलस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, जो प्लस प्लस है वो प्लस वन से इंक्रीमेंट करता है, इसे यूज़ हम करते हैं। और माइनस माइनस अगर साथ में लिखते हैं तो वो वन डिक्रीमेंट करता है, ठीक है। बस आपको यही था, इतना हो गया। और भी हमारे ऑपरेटर्स हैं, उसे मैं जो है नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि वो खुद में काफ़ी बड़े हो जाएंगे। वीडियो तो काफ़ी बड़ी हो ही चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बिट वाइज ऑपरेटर बताऊंगा, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर बताऊंगा, कंडीशनल ऑपरेटर बताऊंगा, ठीक है। तो यार इतना ही था इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।